एनसीईआरटी स्टैंडर्ड मैथ्स एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मीना बहुत चालाक है, क्या किया उन्होंने, 50 और 100 की नोट ही मांगी ताकि गिनना भी कम पड़े और नोट भी उठाना कम पड़े। तो देखो इसकी इसका एक बार मीनिंग समझ लेते हैं कि मीना ने क्या बोला कि मैनेजर को ₹50 और ₹100 के ही नोट देना, कितने में उसे ₹2000 के लिए, कितने ₹2000 के लिए, ठीक है। तो बैंक ने भी क्या किया, बैंक मैनेजर ने उन्हें दे दिए टोटल 25 नोट्स, टोटल 25 नोट्स ही किसके दिए, 50 और 100 के ही नोट दिए, ठीक है। और मीना ने 50 और 100 के ही मांगे थे, तो ये टोटल नोट 25 नोट्स है और करेंसी में कितने हैं, 2000 है, ठीक है। तो हम लेट करते हैं, 50 कितना ले ले एक्स, मतलब एक्स नोट हो जाए 50 की और 100 की हो जाए वाई। और हमें पूछा भी क्वेश्चन में यही है कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। और ये x और y की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो हमें पता चल जाएगा 50 की कितनी नोट है, क्योंकि x इंटू 50 y इंटू 100 यही हमारा 2000 के बराबर आएगा। तो ठीक है, लेट करते हैं, लेट सॉल्यूशन स्टार्ट, लेट ये रफ वर्क है समझाने के लिए। लेट द नंबर ऑफ RS 50 एंड रुपीस 100 नोट्स बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देखो इसमें जब हम लिखते हैं 50 पहले, तो यहाँ जो पहली वैल्यू आती है वो 50 के लिए होती है और 100 तो वाई के लिए, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बैंक मैनेजर ने उन्हें कितनी नोट दे दी, 25 नोट्स। तो मतलब एक्स और वाई पहली इक्वेशन हमारी बना सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 25 नोट्स मिले उन्हें, ये हमारी इक्वेशन वन, ठीक है। इक्वेशन टू के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो टोटल 2000 नोट्स मिली है, तो इक्वेशन टू देखो दिखा, सी आज द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो ये इक्वेशन वन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूँ रुपीस 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई, तो ये कितने के बराबर आती है, 2000 रुपीस के बराबर आती है, ये हमारी इक्वेशन टू हो गई, ठीक है। ठीक है, अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू आ गया, हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड तो यहाँ पे सेम करना पड़ेगा, तो पहले वाले को सेम करने के लिए यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई कर ले या तो 100 से मल्टीप्लाई कर ले, तो पहले वाले को सेम करने के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय 50, क्यों 50 से, x को सेम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 50, वी ऑप्टेन, हम क्या ऑप्टेन कर लेंगे, therefore 50x plus 50y, अगर 50 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 is 25 का 5 इधर 2 पर 5 2 जा तो 5 0 हटा देते हैं, 5 5 is 25 का 5 2 पर 5 2 10 और वो 12 हो जाएगा, 12 5 और एक 0 लगा हटाया था तो वो लगा देंगे, ये हमारी आगे इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो दोनों सेम है, इक्वेशन 2 एंड 3 जिसमें x दोनों सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और कौन सी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड टू इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है, 2 एंड 3 पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम
इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री फ्रॉम इक्वेशन टू, तो लिखते हैं 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000, और यहाँ पे 50x प्लस 50y इक्वल्स टू 1250। वैसे माइनस अप्लाई करना है, तो माइनस जहाँ भी प्लस है तुम्हारा माइनस रहेगा, यहाँ भी प्लस तो यहाँ पे भी माइनस, ठीक है, ये कैंसिल। यहाँ पे से हमारा बचा 50y प्लस का, क्योंकि नीचे छोटा वैल्यू, और सेम वे यहाँ पे बचा 750। और therefore y इक्वल्स टू 750 अपॉन में 50, तो ये एक जीरो करा, 5 के टेबल में 5 वन जा और 5 जा, तो ये हो गया 15। therefore y इक्वल्स टू 15 आ गया हमारी वैल्यू, ठीक है, हमारी वैल्यू y के आगे 15 आ गए। y अगर 15 आ गए तो हम इसे पुट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो ये फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। therefore पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन हमारी कौन सी थी, x प्लस y इक्वल्स टू 25, यही हमारी इक्वेशन थी, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, देयरफॉर x इक्वल्स टू 10, ये हमारी वैल्यू होगी इसके लिए, x के लिए आगे। अब हमें x और y पता है, तो हम बता सकते हैं टोटल मीना ने कितनी नोट ली थी, ठीक है। Hence, Meena has 10 notes of rupees 50 and 15 notes of RS 100. जैसा कि हमने यहाँ पे समझा था कि x को हमने क्या लिया था 50 और y को 100, ठीक है, तो x जो भी आया हमारा क्या है 10 है x की वैल्यू, तो 10 नोट किसकी थी 50 की, और y कितना था 15, तो 15 notes of rupees 100 यही Meena को दिया गया, ठीक है। आप सम करके देख सकते हैं 2000 के आजू बाजू जाएगा, क्योंकि 15 × 100 तो 1500, 50 × 10 तो 500, तो 500 प्लस 1500 कितना होता है 2000 रुपीज़ होता है, जो बैंक ने दिया था।